आपने देखा था सबके कैसे रंग उड़ गए थे मेरी फोर व्हील देख के। और मेरी सास, उनको तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो मुझे क्या कहे और क्या ना कहे। उनको तो पक्का यकीन हो गया कि उनका बेटा उनके हाथ से गया। हाँ भाई, तुम्हारे ससुर भी मुझसे कह रहे थे कि हमारे खानदान में आज तक किसी की बहू को ऐसा जहेज नहीं मिला। मैं तुम लोगों के बीच में बोलना तो नहीं चाह रही थी, लेकिन क्या करूं, आदत से मजबूर। बेटा, ये सब कुछ ठीक नहीं है, ये दिखावा है। क्या हासिल होगा तुम लोगों को ये सब कुछ करके? ओ कम ऑन दादी, ऐसा क्या कर दिया है मैंने और डैड ने जो आप हमसे इतना नाराज हो रही हैं? वैसे आपका बस चले ना तो आप हम दोनों को पुलिस के हवाले कर दें। और वैसे भी डैड ने ऐसा कुछ नहीं किया जो उनकी इतनी ज्यादा क्लास हो। बस मुनासिब से जोड़े और जेवर ही तो दिया है मुझे डैड ने, है ना? और हाँ, एक और बात, ये जो गाड़ी मुझे दिलाई गई है ना, ये भी मेरी जिद की वजह से दिलाई गई, वरना डैड का तो कोई इरादा नहीं था मुझे देने का। और रही बात फ्लैट की, तो उसे तो आप जाने ही दें। वैसे दादी, आपको मैं एक बात बताऊं, ये चीजें हम फ्रेंड्स में बहुत कॉमन है, दिस इज रियली नॉर्मल। शाबाश बेटा, शाबाश, मतलब मेरी सारी मेहनत जीरो। आज तक हमारी फैमिली में भी किसी को ऐसा जहेज नहीं मिला है। क्या हो गया है तुम दोनों को? दुनियादारी में इतना खो गए हो कि एक सीधी सी बात समझ में नहीं आ रही। ठीक है, हमने अलवीना को जो भी जहेज दिया है वो अपनी खुशी के नाम पे दिया है, लेकिन ये सोचो, जो ये जहेज नहीं दे सकते या जिनकी इस्तेतात नहीं है, उन पर क्या गुजर रही होगी? अम्मा, मेरी बेटी हमेशा के लिए जा रही है, सेठ न्याज की बेटी की शादी है, अब इतना तो बनता है अम्मा। और मेरा बस चले तो मैं तो इससे भी ज्यादा उसको नवाजू। अम्मा, मेरा दिल साफ है, और किसी के दिल में मेरे लिए क्या है कि मैं क्या जानूं। लीव इट डैड, इट्स ओके। दादी को तो मेरी खुशी अजीज ही नहीं। अरे अलवीना, बेटा अलवीना, नाराज कर दिया ना अम्मा। मैंने ऐसा क्या कह दिया, मैंने तो बस यही कहा था कि माँ देखिए, मेरी बेटी हमेशा के लिए जा रही है, और जाते जाते अगर हमसे थोड़ी सी खुशियाँ मांग रही है तो उसमें हर्जी क्या है अम्मा। और दूसरी बात यह है कि मेरी जेब जितनी इजाज़त देगी मैं उससे बढ़कर अपनी बेटी के लिए करूँ। आप बिल्कुल परेशान ना हो, जो कुछ हो रहा है वो आज के दौर के हिसाब से ही हो रहा है। मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की थी, मैंने तो बस। अच्छा ठीक है, मैं जानती हूँ कि तुम लोगों के बीच में मुझे बोलने का कोई हक नहीं है, लेकिन जाते जाते मेरी एक बात सुन लो। दिखावे के लिए जो काम भी किया जाता है वो आज नहीं तो कल सामने जरूर आता है। बस दुआ करो कि किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे।